नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा डीएन नेट। टिम्पुल चियाज जुलाना के जो रिंकू लाठर है, भारतीय लोक सेवा आयोग प्रिंसिपल परीक्षा में अंदर 232 में रैंक किया था उसका, भारतीय जो जुलाना लोकल पंचायत द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। एक बार कैमरा में सकूंगा दिखाइए भाई, देखिए सम्मानित किया जा रहा है रिंकू लाठर को। भाई साहब आपको बहुत बहुत बधाई, टीएन हरियाणा पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। ये देखिए भाई साहब को सम्मानित किया, गांव के लोकल पंचायत द्वारा सम्मानित किया जाएगा, गांव के बुजुर्ग है ये सम्मानित करे रिंकू लाठर को। और देखिए भाई, ये देखिए भाई, गांव के लोगों द्वारा सम्मानित किया जा रहा है रिंकू लाठर को। दिखाई जाओ। ये देखिए भाई रिंकू लाठर को जो ग्रामीण है इन द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ये देखिए लोकल पंचायत के सदस्य हैं जुलाना के सारे, इनको सम्मान के फूल माला डालकर और इनका भव्य स्वागत किया गया जुलाना के अंदर। भाई रिंकू लाठर 232वां रैंक प्राप्त किया था इन्होंने ऑल इंडिया के अंदर भारतीय लोक सेवा आयोग परीक्षा के अंदर। देखिए कितने अच्छे पल हैं ये। देखिए भाई रिंकू लाठर अब मंच की तरफ आ गए हैं। ये देखिए जो जुलाना ग्रामीण हैं इन द्वारा स्वागत किया जा रहा है रिंकू लाठर का, फूल माला डालकर फूल बरसाकर। ये देखिए सम्मानित करते हुए जो बुजुर्ग हैं लोकल पंचायत के सदस्य हैं जुलाना के। ये देखिए भाई, ये देखिए फूल मालाओं से सम्मानित करते हुए फूल बरसाते हुए। बैठ जाओ सारे, देखिए काफी मात्रा में जो ग्रामीण महिला है वो भी पहुंची हुई है। हाँ भाई रिंकू लाठर के स्वागत में गांव की महिलाओं भी काफ़ी तादाद में पहुंची है। ये देखिए पूरा जो कन्या स्कूल का ग्राउंड और खचाखच भरा हुआ यहाँ पर बहुत सारे। ये देखिए भाई देखिए जोगेंद्र शर्मा जी कह रहे कि 5-4 जो बुजुर्ग हैं गांव के वो खड़े हो जाए और स्वागत करें। बीच में गांव के अपने लाडले हमारे छोटे भाई रिंकू लाठर ने भारतीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा पास करके पूरे गांव का नाम रोशन किया है, उसके लिए पूरे गांव में खुशी का माहौल है। पूरे गांव का धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं कि गांव ने अपने लाडले को सिर आंखों पर बिठाने का काम किया और आज दादा खेड़ा पर धोख मारने के बाद इस कन्या स्कूल में ग्राम पंचायत की तरफ से लोकल पंचायत की तरफ से अपने इस लाडले को पूरे गांव की तरफ से 41,000 से ये गांव सम्मान करने का काम करेगा। बेस्ट रहेगा, उसके लिए पूरा गांव बधाई का पात्र है। और मैं युवाओं को कहूंगा कि वो भी इस भाई रिंकू लाठर से प्रेरणा लेकर के अपने आप को आगे बढ़ाने का काम करें ताकि अपने गांव का नाम रोशन हो और गांव की लाइन सुधरे और दूसरे युवाओं को भी प्रेरणा मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी गांव का जिन्होंने पूरे हर्ष के साथ पूरी उत्साह के साथ इस अपने छोटे लाडले भाई का अपने बेटे का यहां पहुंचने पर धन्यवाद स्वागत किया, उसके लिए पूरा का पूरा गाँव बधाई का पात्र है। मैं प्रार्थना करूंगा गाँव के हमारे बुजुर्गों से वो आए और भाई रिंकू लाठर को अपने लाडले को सम्मानित करने का काम करें, आशीर्वाद दें। देखो फोटो खींचे खड़े हो जाओ प्रधान जी, वो इधर ले लो तो ये देखिए भाई रिंकू लाठर को सम्मानित किया गया 41,000 रुपए देकर जुलाना की लोकल पंचायत द्वारा। और गांव के गणमान्य व्यक्ति हैं
सभी सम्मानित करते हुए जेजेपी प्रेस प्रवक्ता आनंद लाठर और जोगेंद्र शर्मा जी और बारह के प्रधान जी भी यहाँ पर मौजूद है। तालियां बजा करके स्वागत करें। आशीर्वाद देते हुए गांव के बुजुर्ग और एक समर्थी चिन्ह देकर भी गांव की तरफ से हमारे बुजुर्ग ये देखिए बस समर्थी चिन्ह देख करते हुए जुलाना के जो युवा साथी हैं उन्होंने रिंकू लाठर को सम्मानित किया। ये दूसरी पीढ़ी है भाई जुलाना लोक पंचायत की है। देखिए भाई खेल समिति द्वारा जो जुलाना की हुआ हमारे चाचा ये भी रिंकू लाठर को पैसे की माला डाल करके स्वागत करने का काम कर रहे हैं महेंद्र सिंह लाठर जी और खेल समिति जुलाना हमारे चाचा आनंद भोजी के नेतृत्व में वो भी हमारे भाई रिंकू लाठर को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। जोरदार तालियां बजा करके स्वागत करें। खेल समिति द्वारा सम्मानित किया गया भी देखिए भाई डीसी लगने के बाद हमारा दान कर दिए भाई तू हमारे को सम्मानित करने का काम कर रहे हैं। देखिए भाई भाई सतीश सांगवान जी वो भी भाई रिंकू लाठर को पैसे की माला डाल करके स्वागत और सम्मान करने का काम कर रहे हैं। रोडवेज में अपनी सेवाएं पूरी करने के बाद आजाद सिंह जी लाठर यहाँ पहुंचे हैं वो भी अपने भाई का अपने बेटे का यहाँ पहुंचने का काम कर रहे हैं। जयप्रकाश लाठर जी हमारे चाचा हैं। रामलाल जी और ये भाई जन सेवा समिति के सदस्य हैं ये सभी इनको सम्मानित करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपके लड़कियां गांव में स्वागत किया जा रहा है यूपीसी भारतीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में 232 रैंक प्राप्त किया आपको कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हुई। तो आज पूरे गांव की तरफ से सम्मानित किया गया सारे गांव सारे लाठर सारा देश रोशन कर रहा है मेरे बेटे। जैसे कि जुलाना हल्का बिल्कुल पिछड़ा हुआ हल्का है इस हल्के से अब ये दूसरा कैंडिडेट है। इससे पहले राजगढ़ की लड़की ने यूपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण की थी इसके बाद भाई रिंकू ने की है तो लाठर परिवार के लिए भी और जुलाना के लिए भी सम्मान की बात है। तो आप क्या संदेश देना चाहोगे जो अपने जुलाना वासी होंगे बच्चों को क्या संदेश दोगे? उसने मत नहीं कहूँगी मेरा बेटा सरकारी स्कूल में पढ़िया है सात लोग फिर प्राइवेट में पढ़िया है इस सबके बेटे इतनी हुआ कोशिश कर रहे पढ़ता था जी पहले आड़ सरकारी में जी उसके बाद इन्होंने टेंथ क्लास कहाँ से पास की फिर 10 आड़ करी रेला स्कूल में रोहिला स्कूल में उसके बाद जी फिर 2 आड़ करी रोहतक रोहतक हाँ 1 कोटा फिर कोटा तरफ उड़ लंबर पड़ गया इसका इंजीनियर में 4 फिर कुल क्षेत्र को कोर्स कर बहुत बहुत धन्यवाद दिन वगैरह समय देने के लिए। देखिए भाई रिंकू लाठर की माता जी थी और गांव की अन्य महिलाएं बहुत सारी यहाँ आई हुई सम्मान समारोह में कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये महिलाओं को दिखाए ये देखिए कितनी सारी महिलाएं हुई हैं और इसी प्रकार डीएन हरियाणा आपको ये इनसे और बात करते राम राम जी आपको कैसा लग रहा है कि आपके गांव का लग रहा है जी ये बोला हमारे को बहुत गर्व है हमारा बेटा ऐसा बना हमारा और भी आशा करते हैं और भी सब बच्चे पढ़े हैं और ऐसे ही बने बन के दिखाए हमारे लाठर परिवार का बहुत मान सम्मान हुआ। देखिए भाई पूरे ग्रामवासी बहुत खुश हैं और एक और महिला बैठी है बुजुर्ग से राम राम जी राम राम आपको कितनी खुशी है कि आपके गांव का लड़का यूपीसी परीक्षा बहुत खुशी बहुत बेटा राज्य हो रहा जमा सारे गांव में खुशी से हाला डुबाटे जा रहे हैं छोरा भी बहुत ठीक से। देखिए हाँ। लड़का भी बहुत ही ठीक लड़का है और पूरे गांव में खुशी का माहौल है पूरा गांव यहाँ इकट्ठा हुआ था और इसी प्रकार आप देखते रहिए डीएनए डीएनए दिनेश रोहिला जुलाना।